हाय एवरीवन, ये मेरा पहला मोटो व्लॉगिंग है और आज मैंने हेलमेट में कैमरा लगाया, मोबाइल को फिट किया और उससे ये वीडियो शूट हो रहा है। तो ये अभी हम लोग दानापुर कैंट में हैं। दानापुर कैंट से हम लोग जा रहे हैं दानापुर स्टेशन खगौल, और उसके बाद वहाँ से जाएंगे हम लोग जमालुद्दीन चक। आज जो है एक अच्छा शूट होने वाला है, तो वीडियो में बने रहिए और इसको एंड तक देखिए। आज मैंने हेलमेट में माउंट लगाया था तो लोग काफ़ी नोटिस कर रहे थे कि ये क्या लगाया हुआ है, काफ़ी वियर्ड लग रहा था उन लोगों को। और पटना में ऐसे भी मोटो व्लॉगर जो हैं वो काफ़ी कम हैं, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चों का जो लॉट उतरता है वो आखिर कहाँ उतरता है, उनको एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो पता नहीं चलती है। तो अभी हम लोग शगुना मोड़ पर हैं, शगुना मोड़ से हम लोग जाएंगे खगौल स्टेशन। ये सामने आप लोग देख सकते हैं कि गुलंबर है और सामने दानापुर स्टेशन है, दानापुर स्टेशन या खगौल स्टेशन भी कहते हैं इसे। यहाँ से हमें लेफ़्ट लेना है गुलंबर से और सीधा सामने वाली जो रोड है उसमें चले जाना है, ये रोड में, और यहाँ से जमालुद्दीन चक में ही लौट उतरता है। और अलग अलग जो ट्रेडर हैं वो अलग अलग टाइम पर उतारते रहते हैं और सेम जगह ही उतारते हैं, सरारी गुमटी उस जगह को कहते हैं। ये इधर आप लेफ़्ट हैंड साइड में देख सकते हैं, ये है रेलवे फाटक और उधर जमालुद्दीन चक है। इधर से आप लोग देख सकते हैं कि HP पेट्रोल पंप, वहाँ पर गोकुलम अपार्टमेंट, और गोकुलम अपार्टमेंट के थोड़ा सा आगे वहीं पे लॉर्ड उतरता है। बस हम लोग अब अपनी मंजिल आ चुके हैं, यहाँ पर इसी जगह पर बच्चे दिए जाते हैं। Hi everyone, welcome back to the channel. This is Umar Ahmed and you are watching BT Vlogs. स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल BT Vlogs में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सरारी गुमटी जमालुद्दीन चक दानापुर स्टेशन के 200 मीटर आगे आप लोकेशन देख सकते हैं, गोकुलम अपार्टमेंट है वहाँ पर और उसके यहाँ पर बच्चों का नया लॉट आ चुका है और आप लोग आ करके देख सकते हैं, बच्चे को चेकआउट कर सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। रेट 450 रुपये किलो है। ये सब क्वालिटी के बच्चे हैं, आप लोग देख सकते हैं। इनके जो ओनर हैं वो बबलू भाई हैं, अभी बात करवाते हैं आपको बबलू भाई से। भैया थोड़ा अपने बारे में बताइए। जी बबलू, हमारा नाम तो बबलू है, जो हमारा बबलू गोट फॉर्म से ही चलता है, ये बकरी का पालन जो चलता है हमारा बबलू गोट फॉर्म से ही चलता है। अच्छा जी, और आप ये ट्रेडिंग का ही काम करते हैं? हाँ हाँ, मतलब जगह जगह आप जा करके जानवर प्रोवाइड करते हैं? ठीक है, तो कोई अगर फार्म के लिए चाहे जानवर तो आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं? हाँ मिल जाएगा। मिल जाएगा, तो उसके लिए क्या रेट होगा? उसके लिए भी 450 रुपये किलो होगा। जैसे कि किसी को अगर 10 को 20 को चाहिए तो उसको होम डिलीवरी मिलेगी घर तक। अच्छा, होम डिलीवरी मिल जाएगी? हाँ, घर तक पहुंचाया जाएगा उसका माल। और कोई आपसे वीडियो मंगाना चाहे कि हमको इस माल का वीडियो चाहिए तो वीडियो भी बना कर डाल देते हैं, दे देंगे, सब चीज़ प्रोवाइड करेंगे। हाँ ठीक है, तो इसके अलावा कुछ और भी नस्ल होती है, जैसे कि तोता परी होता है? तोता परी भी मिलेगा। और आपको जा करके होता है क्या बोलते हैं ये हंसा, ये सब मिलेगा आपके पास? नहीं, हमारे पास बरबरी नहीं मिलेगा और अच्छा। खाली तोता परी और सिरोही बीटल गुजरी अजमेरी मिलेगा। हाँ, तो तोता परी का 650 रुपये किलो है। तो जिनको भी इस नस्ल के जानवर चाहिए वो भैया को कॉन्टैक्ट करें, भैया का नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में है। क्या क्या लेके आए हैं इस बार? इसमें भाई बकरी है और बकरे हैं दोनों, यानी है इसमें कई भी ब्रीड है जो हम आप इसमें बताते हैं हम लोग, जैसे कि सिरोही है, बीटल है, सोजत है, गुजरी है, अजमेरी है, यही सब नस्ल आते हैं। और हमारे पास एक से खूबसूरत माल लेकर आते हैं, जो हमारे पास कस्टमर तुरंत आता है, इसीलिए बोलते हैं कि चलिए बबलू गोट फॉर्म पे ही माल खरीदेंगे, उनके पास एक से खूबसूरत माल मिलता है। तो हमारे पास 450 रुपये किलो हम लोग बेचते हैं। अच्छा, और ये लाते कहाँ से हैं? ये राजस्थान से लेकर के आते हैं हम लोग। ये राजस्थान से लेकर के आते हैं जी। और किस किस रेंज के बच्चे हैं, मतलब इसमें वही वजन का होगा 14 किलो से लेके 20-22 किलो तक का मिलेगा हमारे पास। जैसे कि 14 किलो है, 15 किलो है, 16 किलो है, 17 किलो है, 18 किलो है, 20 किलो है,
वही रेंज में। नस्ल कौन सा? नस्ल तो बता दिया इन्होंने। हाँ नस्ल बताया नहीं अभी, सिरोही है, बीटल है, सोजत है, गुजरी है, अजमेरी है। अच्छा इन लोगों को जैसे कि ये अंडू है सब ठीक है, तो बदिया कराने में क्या प्रॉब्लम आता है क्या? नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा है अभी 2-2.5 महीने का, 3 महीने का, सब बद्दी हो जाएगा जी। तो लोग क्या है कि लोग डरते हैं खरीदने से कि खसी हो पाएगा नहीं हो पाएगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं, खसी हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा अभी। तो बच्चे दिखाइए भैया कि सिरोही क्या होता है और बीटल क्या होता है, ये सब बताइए थोड़ा पब्लिक को। जी ये देखिए सिरोही नस्ल है जी, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है दिखने में, ये सिरोही है। ये सिरोही नस्ल है, ये देखिए पहली बात तो ये जो अभी कम से कम 2.5 महीने का, इतना लंबा बच्चा हो गया, ये 2.5 महीने का है। और साल भर में मतलब कितना जाएगा? साल भर में वही कम से कम 60-65 किलो तो खिलाने के ऊपर होता है, जैसा आदमी खिलाता है वैसे ही वजन भागता है, जैसे नॉर्मल तो 50 किलो तो हो ही जाएगा जी। हाँ वैसे तो फिर 60-70-65-80 खिलाने के ऊपर होता है फिर तो। और ये सोजत दिखा दीजिए, सोजत ये देखिए, सोजत नस्ल है जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये पूरा वाइट कलर में आता है जी, इसी को बोलते हैं सोजत। छोड़िए तो इसको थोड़ा, ये देखिए आप लोग सोजत वाइट कलर में 11 बच्चा है जी। इसके बारे में बताइए, ये बकरी है जी, काफी अच्छी क्वालिटी की ये बकरी है आपके पास। हाँ ये क्या नस्ल है? ये सोजत नस्ल में भी ये भी आएगी, ये सोजत नस्ल में आएगी। हाँ और ये बकरी 2-2.5 लीटर दूध देती है, बहुत ही खूबसूरत बनती है बकरी ये। अच्छा हाँ दूध की बहुत अच्छी रहती है बकरी, ये सब दूध की अच्छी बकरी रहती है। और यहाँ के वातावरण में इन्वायरमेंट में सेट हो जाएगी ना? हाँ क्यों नहीं होगा। अच्छा काफ़ी खूबसूरत बकरी है, और मतलब ये भी 450 रुपये किलो? हाँ 450 रुपये किलो। कोई भी जो इस लॉट में है वो 450 रुपये किलो। तो आप लोग बच्चे देख सकते हैं। और ये दिखाइए कि अजमेरी जो है वो बताइए, अजमेरी ये देखिए अजमेरी नस्ल है, ये अजमेरी है, ये अजमेरी है। भैया बता रहे कितना महीना उम्र होगा इसका भैया? ये 3 महीने का होगा लमसम, ये 3 महीने का लमसम उम्र है। छोड़ दीजिए, तो अजमेरी कैसे पहचाना जाता है? ये लाल कलर होता है पूरा। अच्छा ये लाल कलर होता है, ठीक है। ये देखिए गुजरी नस्ल है, ये गुजरी नस्ल है, इसका छोटा छोटा कान ही रहता है। अच्छा जी काफ़ी अच्छा लॉट लेके आए हैं आप। इससे पहले आप कहाँ थे कल? इससे पहले तो कल तो हम लोग हाजीपुर में थे। अच्छा हाँ, और इसके बाद कहाँ जाइएगा? अब इसके बाद जाएंगे हम, क्या कहते हैं, शेरघाटी, उसके बाद जाएंगे धनबाद। शेरघाटी जाइएगा उसके बाद धनबाद जाएंगे। शेरघाटी में कहाँ? शेरघाटी जो क्या कहते हैं जो खुद वो ब्रिज बना है, ब्रिज। अच्छा। जो नदी का पुल बना है जो उसी के बगल में उतारते हैं हम लोग, जो तो वहाँ पर मजार बनी हुई है। अच्छा तो जिसको भी जाना है, भैया ने जहाँ एड्रेस बताया वहाँ जा के देख सकता है बच्चा, और फ्रेश लॉट देखने को मिलेगा आपको। आप लोग जानवर देखें, जानवर अच्छे हैं, पोसने लायक हैं, आप लोग आकर के चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे जानवर हैं, इनमें गुजरी है, सिरोही है, मक्की चीना कलर पैटर्न में है, मिक्स ब्रीड के बच्चे हैं। सींग वाला है और मुंडा भी है, सब आंडू मिलेगा आपको और बकरी मिलेगी, आकर के चेकआउट कर लीजिए। ये सब देखें बच्चे आप लोग, अच्छे बच्चे हैं, और 15 किलो से लेकर के 25 किलो तक के बच्चे हैं इसमें।
इनकी जो उम्र है वो 3 से 5 महीना 6 महीना रहती है, ज़्यादा नहीं रहती है। ये देखने में बड़े लगते हैं लेकिन उनकी उम्र ज़्यादा नहीं रहती है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने 2-3 महीने का बच्चा लिया था और वो बकरीद आने तक उसने दांत किया था, बकरीद के कुछ दिन पहले ही बस दांत किया था। तो इनकी उम्र ज़्यादा नहीं रहती है, देखने में भले बड़े लगते हैं। ये मक्की चीना बकरी बहुत अच्छी लगी हमको, अच्छे बच्चे हैं, पोसने लायक हैं, आप लोग आकर के चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग BTE व्लॉग्स, थैंक यू।